नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चेस्ट ऑन कोल्ड टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसका डोज, यूजेस, साइड इफेक्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये इसका कंपनी के बारे में, कौन सा कंपनी द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया है। अभी देखेंगे इसका अंदर का ये दवाई कैसे दिखने में आता है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, ये 10 गोली का पत्ता आता है, सफेद कलर का टैबलेट रहता है। इसका प्राइस है लगभग 42.50 रुपये 10 टैबलेट, यानी 10 गोली का कीमत है 42.50 रुपये। चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं इसका कंटेंट के बारे में, कौन सा कंटेंट इसके अंदर डाला हुआ है, यानी कि कंपोजिशन के बारे में। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर डाला हुआ है सेट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड, जो कि 5 mg में डाला हुआ है। दूसरा है फिनलीफेडिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 10 mg में डाला हुआ है। तीसरा है पैरासीटामोल, जो कि 325 mg में डाला गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसका यूजेस के बारे में, ये दवाई कौन सा काम के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लिखा देख पा रहे हो, क्विक रिलीफ फ्रॉम कॉफ एंड कोल्ड, यानी कि सर्दी में, सर्दी खोखला में ये दवाई का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, हल्का सा बुखार रहने पे भी, सर्दी जुकाम, ये सभी में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, और सर्दी खोखले में ये दवाई बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं ये दवाई काम कैसे करता है। जैसे कि पहला कंटेंट इसका है सेट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी एलर्जिक है, जो हिस्टामिन एलर्जिक लक्षणों को, जैसे कि सर्दी आना, आंखों में पानी आना, छींके आना, इसके लक्षणों को कम कर देता है। दूसरा जो है ये फिनलीफेडिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक डिकॉन्जेस्टेंट है। इसका काम ये होता है कि ये नाकों के अंदर जो ब्लड वेसल होता है उसको सिकोड़ देता है, जिसके कारण से नाक से सर्दी बहना या फिर नाक में पानी आना कम हो जाता है। और इसका तीसरा कॉन्टेंट जो है पैरासीटामोल, जो कि 325 mg में डाला गया है, जो कि एक एनाल्जेसिक और एंटीपैरेटिक टैबलेट है, जिसका काम होता है बुखार और दर्द को कम करना। तो दोस्तों, ये तीनों कंटेंट ऐसे ही शरीर पे काम करता है, जिसके कारण से सर्दी और बुखार दोनों कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं इसका डोजेस की, दवाई कैसे लिया जाता है। दोस्तों, ये जो दवाई है ये हल्का सर्दी या फिर हल्का छींके आने पे इसको लिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर सर्दी हो गया, नाक से पानी बह रहा है 2-3 दिन से, दूसरा दवाई लेने पे काम नहीं हो रहा है, तो इसका उपयोग करें, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका जो सामान्यतः डोज रहता है, ये दिन में खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक करके गोली लिया जाता है। जब ये 2-3 दिन लिया जाता है, जब इससे उतना फायदेमंद नहीं होता है, तब दोस्तों इसके साथ साथ एमोक्सिसिलिन 500 mg का एंटीबायोटिक भी इसके साथ लिया जाता है, ताकि सर्दी में और भी जल्दी आराम हो जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसका, इस दवाई का साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवाई का साइड इफेक्ट उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, सर दर्द, मुंह के अंदर सूखापन महसूस होना, बस दोस्तों इतना ही साइड इफेक्ट इस दवाई के अंदर देखा गया है। और कोई भी दवाई बिना डॉक्टर का सलाह का अलावा लेना उचित नहीं है। जब भी इस दवाई का प्रयोग करें, डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। आगे ऐसे वीडियो और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।